नमस्कार, आरवी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं संवाददाता सुभाष यादव आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला में विकास खंड मार्टिनगंज में ग्राम सभा रंगड़ी में आए हुए हैं। यहाँ पर बारिश की काफी तूफान है जो है, और गेहूं की फसल सरसों गिरकर नष्ट हो गई है। किसान में अफरा तफरी मची हुई है। आइए यहाँ के किसानों से हम बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं क्या क्या नुकसान हुआ है। यहाँ आपका नाम? मेरा नाम रामवीर चौहान है, ग्राम फरामऊ रंगड़ी। और यहाँ पर इतने बारिश हुई है कि पूरा तूफान से गेहूँ अस्त व्यस्त हो गया है और सरसों भी पानी में लुढ़क गया है, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। और प्रशासन से हम यह अनुरोध करते हैं कि कृपा करके हम लोगों को अनुदान देने की कृपा करें। लगभग कितना फसल आपकी होगी, कितना बीघा गेहूँ है? लगभग दो एकड़ है। दो एकड़? हाँ सर। सब पूरा गेहूँ एकदम नष्ट हो गया है? हाँ सर, उनमें से कुछ बचा है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, पूरा की पूरा ही हुआ लगभग। सरसों भी नष्ट हो गई? हाँ, सरसों भी पानी में गिर गया है सर। किसान सम्मान? अच्छा, ये बताइए, आपको जो किसान सम्मान योजना में 2000 रुपया सरकार देती है सहयोग राशि, वो आपको मिलता है? नहीं सर, अभी नहीं मिला, एक किस्त भी का भुगतान नहीं हुआ है। नहीं हुआ, उसके लिए आपने आवेदन फॉर्म ऑनलाइन किया था? हाँ सर, बहुत सा किया था, 5-6 बार दिया था, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ जी। इसमें प्रधान जी कुछ सहयोग राशि करते हैं? प्रधान जी से आपने शिकायत की? शिकायत की, वो लोग फार्म लिया लेकिन वो कहाँ फेंक कचरे में डाला जाता है ये पता नहीं है। शौचालय मिला है आपको? शौचालय है, मिला है सर। शौचालय मिला है? प्रधान जी बनवाए थे आपके अकाउंट में 12000 रुपया डाला है? प्रधान जी बनवाए थे। बनवाए थे? आप क्या काम करते हैं? हम लोग मजदूरी का काम करते हैं। मजदूरी, किसानी का काम? हाँ, किसानी का काम। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम? खरभन चौहान। खरभन चौहान, आपकी भी फसल नुकसान हो गई है? हाँ साहब, हमारा भी फसल नुकसान हो गया है, घर भी गिर गया है। घर भी गिर गया है? हाँ। चलिए ठीक है, गेहूँ एकदम सूत गया पूरा एकदम? गेहूँ जमीन ढह लिया है। और सरसों? सरसों भी गया। तो सहयोग राशि आपको किसान सम्मान योजना में पैसा मिलता है 2000? नहीं नहीं, नहीं मिला है अभी। फार्म भरे थे आप? हाँ, फार्म भी गया था, भरा गया है। शौचालय मिला है? शौचालय भी अभी प्रधान नहीं बनाया। अभी नहीं मिला शौचालय आपको? नहीं, प्रधान जी से आप कहे थे? हाँ, वो ईंटा दे रहे थे, कमजोर बहुत। अच्छा, काम भी अच्छा नहीं होता था, लाल पेटी। हाँ, तो आपको 12000 रुपया लेना चाहिए? नहीं नहीं मिला, आपको पैसा नहीं मिला। चलिए ठीक है, आपको सरकार से क्या कहना है, आपको कुछ कहना है? वही, हमारे लोग को मिले, सहयोग मिले, पैसा कौड़ी मिले, हमारे लोग को काम बढ़ा ले। घर भी आपका गिर गया? हाँ। कॉलोनी के लिए प्रधान जी से कहे थे? हाँ, कॉलोनी भी बोले थे, कॉलोनी का पैसा भी भराए थे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हमने आपका नाम बताओ? नाम बता ले, बोलिए। अनीता चौहान। अनीता चौहान आपका नाम है? हाँ। आपका भी गेहूं नुकसान हो गया है? एकदम गिर गया है सर, पूरा पूरा। सरसों भी खराब हो गई है। सरसों भी खराब हो गया है। और शौचालय मिला आपको? जी नहीं, अभी नहीं मिला। प्रधान तीन ठेला ईटा दे के एक दिन आईना मिस्त्री जोड़े, कहने इतने ईटा हो बन करी, तब से आपको दिन पठाई बन करें, तीन ठेला खाली ईटा है। 2000 रुपया किसान सम्मान योजना मिलता है आपको? नहीं, चचर बार फार्म भर गया, हरदम 100-100 रुपया लेते, लेकिन अभी नहीं आया, अभी नहीं आया है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुभाष यादव संवाददाता आजमगढ़। आज की रिपोर्ट यहीं, कैमरामैन सुशांत के साथ। सबसे तेज, सबसे आगे, खबरें देखें सबसे पहले, आपको करें हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।